हाय डियर फ्रेंड, चैप्टर नंबर 8 मोशन हम देख रहे हैं और जिसका ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, ये पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होता है, उसकी फॉर्मूले क्या होते हैं और वो फॉर्मूले डिराइव कैसे होता है। फिर बाद में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। फिर बाद में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे और इसके डेरिवेशंस के बारे में हम देखेंगे कि इसका डेरिवेशंस कैसे करना है। फिर उसके बाद से ग्राफिकली मेथड से हम प्रूव करेंगे, ग्राफिकली मेथड से जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम ग्राफिकली तरीके से डिफाइन करेंगे कि इसके क्या होते हैं। फिर बाद में सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हम इस पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं बाद में आपको सॉल्व कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स टाइप के होंगे वो बाद में कराऊंगा, अभी थियरी देखें। देखिए, थियरी अगर आपको याद रहेगा तो आप उसके बेस पे आप जितने भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, उसके फॉर्मूले क्या हैं और उसका डेरिवेशंस कैसे आएगा। ठीक है, ये अगर पॉइंट आपको याद है तो फिर फटाफट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताता है। ठीक है, मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कलर रखता था। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, दिस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि ताकि इसके जो भी रिलेटेड पॉइंट है आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वी क्या है, वी जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्पीड जो होता है, ठीक है, स्पीड जो होता है अगर वो किसी डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाता है तो वेलोसिटी होती है। ठीक है, फिर इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या थी, फिर एक्सेलरेट होने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, और ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, और टी क्या है, टाइम है। सबका यूनिट मैं बता देता हूँ, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अभी इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी तो सेम ही है, गया मीटर पर सेकेंड होता है। एक्सेलरेशन का जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखने का कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना मेन इंपॉर्टेंट है। दिस वन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आगे देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशंस कैसे होगा, डेरिवेशंस कैसे होगा। देखिए, डेरिवेशन में आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर याद रखना है तो कुछ और याद नहीं रखना, सिर्फ एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला अगर पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी इनिशियल यू अपन टी। ठीक है, तो टी को अगर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू आ गया। फिर उसके बाद से आप यू को इस डायरेक्शन में कर देंगे तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में है, मैंने पहले ही आपको बताया किसके बीच में है, वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो बताता है क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बीच में बताता है, क्योंकि ग्राफिकल जब करेंगे ना तब तो आपको ये इसमें आइडिया मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, तो इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया। उसके बाद सब देख देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या फॉर्मूला है और वो किसके बीच में बताता है,
पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो पहला वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, ये पोजीशन टाइम रिलेशन बताता है, पोजीशन टाइम रिलेशन बताता है। और क्या फार्मूला है और उसका डेरिवेशन कैसे होगा, देखिए उसका फार्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एस क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। और आगे हमने देख लिया यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी आपका टाइम है, ए आपका एक्सेलरेशन है और टी आपका टाइम है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो क्या बताता है, पोजिशन टाइम रिलेशन बताता है, पोजिशन टाइम रिलेशन बताता है हमें, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, ध्यान देखिए इसकी डेरिवेशन करेंगे और वो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले के बेस होता है, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले के बेस पे होता है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपन टू का टाइम, ठीक है। उसमें क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन फॉर्मूले के बेस पे था, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बेस पे है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपन टू, मतलब एवरेज निकाल लेना, तो यू प्लस बी अपन टू, ये आपको मिल गया, क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी मिला। अब डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल अगर करा जाए तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल की बात किया जाए तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या हमने फाइंड किया, यू प्लस बी अपन टू इंटू टी कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देखा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ जो फर्स्ट वाला ये जो ये आपका दिख रहा है, इसमें v की जगह पर मैंने u प्लस ए टी रख दिया है, देखिए ये वाला वैल्यू रख दिया u प्लस ए टी। अब u प्लस ए टी रख दिया तो यहाँ पर देखिए u प्लस ए टी हो गया, तो ये 2u हो गया, ठीक है, 2u हो गया प्लस ए टी हो गया, और फिर t का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 2u t प्लस ए टी स्क्वायर अपन 2 हो गया, ठीक है। अभी इसको देखो, पहले का डिवाइड, पहले का क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आगे बता देता हूँ आपको, अगर पहले मैं आगे यहाँ पे बताऊँ तो s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2ut, वन मिनट, हमें क्या कर देंगे, सबसे पहले लिख लो, देखो s इक्वल टू क्या होता है, 2at, पहले इनको एक साथ कर लो, पहले क्या करना, 2ut अपन 2 करो तो आपका ut बच जाएगा, at स्क्वायर अपन 2 करोगे तो हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला आपका इस तरीके से बन के आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये सेकेंड वाला जो है वो बन के आपके पास आ जाता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और किसके बेस पे मिलता है, एवरेज वेलोसिटी के बेस पे मिलता है। और एवरेज वेलोसिटी s इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो फर्स्ट इक्वेशन में है उसमें v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे डिराइव करके लाएंगे, ठीक है। पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा, देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ये था, ठीक है, ये इतना था। फिर आगे देखिए, ए वो इक्वेशन कैन बी रीअरेंज, ए टी इक्वल टू हमने क्या कर दिया, वी माइनस यू जो पहले था, ये फर्स्ट इक्वेशन को, फिर टी इक्वल टू क्या हो गया, वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन ए, ये वाला जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में इसको क्या कर देंगे, ये टी की वैल्यू जो ए सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन वाला फॉर्मूला है उसमें टी की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, वी माइनस यू अपन ए, देखिए यहाँ पे वी माइनस यू टी में ये टी की जगह पे, फिर हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी माइनस यू अपन ए का स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इनको ही सॉल्व किया गया है, पहले यू का वी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये यू का वी के साथ मल्टीप्लीकेशन किया गया है इसके, तो यू इंटू वी हुआ, फिर इस यू का यू के साथ इंटू यू स्क्वायर होगा अपन ए आ गया, फिर प्लस, फिर ये a का v के साथ, ये पहले तो देखो कि v माइनस यू का होल स्क्वायर होगा और इधर a का स्क्वायर, मतलब टू ए, सॉरी a स्क्वायर हो जाएगा ये,
और ऊपर v माइनस यू मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी होगा, ठीक है। और इन सभी को इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो आगे आपके पास जो हमें फॉर्मूला है लाना है वो यहाँ पर आ जाता है। मेन है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से कैसे शुरुआत किया जाए कि जिससे कि मेरा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने किया क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया, सिंपल सा पहले तो सेकेंड जो इक्वेशन था वो लिखा, सेकेंड इक्वेशन को मैंने इक्वेशन वन मान लिया, ठीक है। फिर बाद में फर्स्ट इक्वेशन का टी के बेस पे फॉर्मूला बना लिया, टी के फॉर्म में बना लिया, ठीक है, सॉरी टी के फॉर्म में नहीं, टी इक्वल टू के फॉर्म में बना लिया, ठीक है। तो टी की वैल्यू मिल गई आपको और ये टी की वैल्यू जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें पुट कर देना है, वो वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट हो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अभी हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है, क्या देखने वाले हैं अभी हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी जो हम देख रहे थे वो क्या था, एनालिटिकल मेथड था, अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आ रहा है, तो वो चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए पहला इक्वेशन मैंने बताया था आपको वो किसके बेस में था, वेलोसिटी और टाइम के बीच में था, वेलोसिटी और टाइम के बीच में था। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, फिर जो उसके बाद से वेलोसिटी चेंज हुई वो क्या थी, यहाँ पे वी आई जो चेंज हुई, पहले इतना तो ये यू था फिर बाद में वेलोसिटी वी आई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वी हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि इससे जो आपको एरिया मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ओ ए इक्वल टू क्या है, यू है, जो सी डी भी बोल सकते हैं, ओ ई, ओ ई की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, वी है, जो सी बी बोल सकते हैं, एंड ओ सी इक्वल टू ए डी, ओ सी जो है आपका ओ टू सी, ओ क्या है, टाइम बता रहा है। फिर उसके बाद से बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी अगर मैं बोलूँ तो बी डी प्लस डी सी होगा, अब बी डी प्लस डी सी क्या है, बी डी प्लस डी सी की बात करें या तो बी डी की बात करो या बी सी की बात करो, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी वी है, ठीक है, और ओ ए जो है वो यू है। तो इसी इक्वेशन को अगर हम एक तरह से देखें तो वी इक्वल टू क्या होगा, बी डी प्लस यू, डी सी होता है बी डी प्लस डी सी और डी सी की वैल्यू क्या है, यू है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू हुआ। स्लोप द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कंसिडर एसेलेरेशन ए, जो स्लोप बता रहा है वो क्या बताएगा, ए होता है, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपन ए डी, बी डी अपन ए डी होगा, ठीक है, और बी डी अपन ए डी है तो ए डी टी बता रहा है, ठीक है, ए डी क्या बताएगा, ए डी बोलो चाहे ओ सी बोलो वो क्या बताएगा, टी बताएगा, और बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, वी माइनस यू, ठीक है, तो वी माइनस यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो रहा है, ठीक है, ये किसके बीच में था, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो पोजीशन और टाइम के बीच में था, लेकिन वेलोसिटी ही बताएगा, ठीक है, वेलोसिटी के वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो सेम उसी तरह से इसको भी देखें तो आपको सब कुछ आइडिया मिलते जाएगा। डिस्टेंस एरिया ऑफ, डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया बोले तो बेस का लेंथ और टॉप का लेंथ बॉटम का लेंथ का एडिशन, ठीक है, इनटू हाइट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है। तो देखिए एस इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ओ सी ए डी सी ओ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों ऐड कर देंगे तो एस मिल जाता है, ठीक है, एस मिल जाता है, क्योंकि देखो अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर फाइंड आउट करते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर इस एरिया की बात करें तो वेलोसिटी इनटू अगर टाइम करें तो क्या आ जाएगा, आपको डी मिलेगा, एस मिलेगा, एस बोलो या डी बोलो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि वी इंटू टी कर रहे हैं,
तो हमें एस मिल रहा है, तो इसका एरिया ही क्या हो जाएगा, एस बताएगा कि इनका कवर जितना एरिया कर रहा है उस एरिया को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जा रही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे पास आ जाता है। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें, पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए सी बोलो, चाहे उस यू को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर उसी तरह से अगर फाइंड आउट करते हैं तो एस अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो वो सारे वैल्यू हम अगर सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूले की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप डायरेक्टली आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए बोर्ड पे जब मैं करके बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। यहाँ पे अभी जो जैसे किया है उस तरीके से करिए, ठीक है, फिर उसके बाद से हम मतलब बोर्ड पे भी करके बताएंगे कि ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है, कि कैसे ये मतलब कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पर से आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कल में मोशन करता हो, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कल पथ विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड इट इज़ सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताएं कि मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक, मतलब जो क्लॉक के जो हैंड होते हैं वो मोशन करते हैं वो ये आ जाता है। मोशन ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये सारे क्या है एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कल मोशन का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पथ विथ वैरिंग स्पीड, मतलब उसकी स्पीड वैरी हो रही है बट वो पथ पे सर्कुलर पथ पे ही मूव कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इट इज सेड टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी की ऑन चेंजिंग। तो इस तरीके से मिल जाएगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर बाद में s इक्वल टू क्या होगा, अब देखो स्पीड का s लिखा और डिस्टेंस सर्कुलर है तो क्या होगा सर्कुम्फ्रेंस पथ होगा अपन टाइम हो, और सर्कुम्फ्रेंस क्या होता है टू पाई r अपन t, टू पाई r अपन t। तो सपोज अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पथ विथ रेडियस r, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखो अगर किसी तरह से अगर मैं बोलूं कि उसके सर्कुलर मोशन क्या होंगे, तो मोशन अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो उसके डिस्टेंस या स्पीड फाइंड आउट करना है कि उसकी स्पीड क्या हो गई, तो टू पाई आर मतलब डिस्टेंस अपन टाइम करना है, तो डिस्टेंस उसका क्या होगा, तो वो आप सभी ने इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने ये बना लेना है, फॉर्मूला इसका ये है, ठीक है। फिर आगे देख लेते कुछ क्वेश्चन आएंगे, हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, तो वो भी देख लेंगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ओवर ए टाइम ऑफ 5.21 सेकंड ऑफ फॉर ए डिस्टेंस, ये सारे मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पर करा दूंगा कि ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपके जो फंडा है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ में आ जाए, आपके फंडा क्लियर हो जाए। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपने फ्रेंड जो हैं उनको शेयर करिए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें, और इसके रिलेटेड अगर उनको कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर ये कैसे होता है, तो उसके रिलेटेड और अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएं कि अच्छा लग रहा है, कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियो बना सकें और आप तक पहुँचा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।